हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय विनीत श्रीवास्तव। आज 10th सीबीएसई सप्लीमेंट्री बुक फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यह जो कहानी है, यह कहानी पूरी तरीके से सर्जरी की जीत के ऊपर है कि किस तरीके से सर्जरी की जीत होती है। इस कहानी को लिखा है जेम्स हैरियट ने, और जेम्स हैरियट के द्वारा यह लिखी हुई कहानी है जिसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं। तो इस पूरी कहानी में तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, एक मिसेज पम्फ्रे और उनका एक पेट डॉग जिसका नाम है ट्रिकी, और डॉक्टर जेम्स हैरियट जो एक वेट है, मतलब वेटरनरी डॉक्टर है। पूरी कहानी ट्रिकी जो मेन कैरेक्टर है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। मिसेज पम्फ्रे का एक पेट है जिसका नाम है ट्रिकी, ट्रिकी एक डॉग है, और मिसेज पम्फ्रे अपने ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इतनी ज़्यादा प्यार करती है कि उसके जो डाइट्स हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम में उसे एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाती है खाने के लिए, और रात में सोने से पहले हॉर्लिक्स दी जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मिसेज पम्फ्रे को लगता है कि ट्रिकी कहीं ना कहीं मॉल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण का शिकार है। मिसेज पम्फ्रे एक अमीर महिला है, मिसेज पम्फ्रे के घर में ट्रिकी के लिए वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जिससे ट्रिकी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके सोने के बेड से लेकर के उसके खाने के बाउल्स वगैरह हैं, और उसके खाने की जो टाइमिंग है, उसका डाइट प्लान है, हर चीज़ बिल्कुल ट्रिकी के मन के हिसाब से की गई है। नतीजा ये होता है कि ट्रिकी की हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी बॉडी पे फैट जमा हो जाता है इतना ज़्यादा कि वह बिल्कुल चल नहीं पा रहा। एक बार जब डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को देखा था, उसी समय उसने मिसेज पम्फ्रे को बात बताई थी कि आपका जो डॉग है इन फ्यूचर कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी का शिकार हो सकता है। लेकिन मिसेज पम्फ्रे ने डॉक्टर हैरियट की बात को सीरियस नहीं लिया, उन्होंने डॉक्टर की बात को इग्नोर कर दिया। एक दिन जो मिसेज पम्फ्रे हैं वह अपने पेट के साथ वॉक पर थी, उसी समय उसी रास्ते से डॉक्टर हैरियट वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने मिसेज पम्फ्रे और ट्रिकी को देखा। ट्रिकी उस समय बिल्कुल चलने की पोजीशन में नहीं था, इतनी ज़्यादा फैटनेस थी उसकी बॉडी पे कि वह चल नहीं पा रहा था। मिस्टर हैरियट ने अपनी गाड़ी रोकी, और गाड़ी रोकने के बाद मिसेज पम्फ्रे से बात की। मिसेज पम्फ्रे ने बात बताई कि शायद उनका जो ट्रिकी था वह मॉल न्यूट्रिशन का शिकार है, इसीलिए उसकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। डॉक्टर हैरियट ने मिसेज पम्फ्रे को बताया कि नहीं, इसे किसी भी प्रकार की मॉल न्यूट्रिशन नहीं है, इसे मेडिकल ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, और वह भी 15 डेज के लिए। लेकिन मिसेज पम्फ्रे अपने से ट्रिकी को किसी भी कीमत पर दूर नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि वह इतनी ज़्यादा अटैच्ड थी ट्रिकी से कि वह उसके बगैर नहीं रह सकती थी। मिसेज पम्फ्रे ने डॉक्टर की बात को सीरियस नहीं लिया। थोड़े समय बाद मिसेज पम्फ्रे के घर पर जब ट्रिकी की सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई, वह बिल्कुल डल पड़ा रहता था, वो अपनी डाइट भी तरीके से नहीं ले पा रहा था, उसी समय मिसेज पम्फ्रे ने डॉक्टर हैरियट को फ़ोन किया और कहा कि ट्रिकी को उनके मेडिकल ऑब्जर्वेशन में भेजा जा रहा है। ट्रिकी डॉक्टर हैरियट के पास गया। डॉक्टर हैरियट ने न तो उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट किया, ना ही कोई उसकी सर्जरी की, बस इतना सा काम किया कि बाकी के जो डॉग्स थे उनके क्लिनिक पे, उन डॉग्स के साथ ट्रिकी को भी मिक्स कर दिया, उसके डाइट का प्लान कर दिया, और जो चीज़ें उसकी हेल्थ के लिए इंजूरियस थी, उसके फैटनेस को बढ़ावा दे रही थी, उन सारी चीज़ों में कटौती कर दी, और ज़्यादातर मात्रा में उसे पानी देना शुरू कर दिया। ट्रिकी जैसे ही बाकी डॉग्स के साथ मिक्स हो गया, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ गई, उसके एक्सरसाइजेस बढ़ गए, वह ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगा, धीरे धीरे उसकी बॉडी से फैट डिक्रीज होने लगा और उसकी बॉडी स्लिम हो गई। जितनी भी चीज़ें मिसेज पम्फ्रे ट्रिकी के खाने के लिए भेजती, उन सारी चीज़ों को
डॉक्टर हैरियट ट्रिकी के पास नहीं पहुंचने देते, क्योंकि वे सारी जो चीज़ें थी वो सारे के सारे जो मिल्स थे कहीं ना कहीं उसके हेल्थ को डैमेज कर देते और बहुत ही सख्ती के साथ एक टाइट ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर हैरियट ने 15 डेज के लिए ट्रिकी को रखा और रिजल्ट यह हुआ कि ट्रिकी पूरी तरीके से फैटनेस से बाहर आ गया और फिट हो गया और उसकी जंपिंग रनिंग काफ़ी एक्टिव हो गई, बिल्कुल जैसा वह पहले की तरह था। डॉक्टर हैरियट ने मिसेज पम्फ्रे को फ़ोन किया। मिसेज पम्फ्रे अपने नौकर के साथ गाड़ी से आई और जैसे ही ट्रिकी ने मिसेज पम्फ्रे को देखा वह दौड़ते हुए उनके पास गया और इस तरीके से डॉक्टर हैरियट ने बिना किसी मेडिकल ऑब्जर्वेशन के और बिना किसी मेडिसिन के केवल फिजिकल एक्सरसाइज से और बाकी डॉग्स के साथ मिक्स करके ट्रिकी को बिल्कुल स्लिम और एक्टिव बना दिया। तो यह थी हमारी आज की कहानी, इस ट्रायंफ ऑफ सर्जरी की कहानी। अब हम देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। तो पूरी कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वह ट्रिकी है। पूरी कहानी ही ट्रिकी के चारों ओर घूमती है। तो सबसे जो मेन कैरेक्टर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ट्रिकी के ऊपर है। ट्रिकी और मिसेज पम्फ्रे का अटैचमेंट लिखना है, कौन कौन सी चीज़ें मिसेज पम्फ्रे ट्रिकी के पास भेजती हैं, किस तरीके से मिसेज पम्फ्रे को लगा कि ट्रिकी मॉल न्यूट्रिशन का शिकार है, डॉक्टर पम्फ्रे ने किस तरीके से ट्रिकी को सही किया और ट्रिकी किस तरीके से सही हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे जो मेन कैरेक्टर इस पूरी कहानी का, पूरी कहानी जो घूमती है वह ट्रिकी के इर्द गिर्द घूमती है। तो यह थी हमारी आज की कहानी जिसका टाइटल था अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी 10th CBSE सप्लीमेंट्री बुक चैप्टर 1st। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। कीप कमेंटिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग and don't forget to sharing and commenting. Thanks for watching me. This is Vinit Srivastava.